आपका नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने शॉर्ट वीडियो को वायरल कैसे करें। यानी आप लोगों का बहुत सा कमेंट आता है कि सर हमारा शॉर्ट वीडियो जो है आपने बताया था, हमारा शॉर्ट वीडियो वायरल ही नहीं हुआ। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक के मदद से अपने शॉर्ट वीडियो को 100% वायरल कर सकते हो। तो गाइज उस ट्रिक के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चले गाइज हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो गाइज वो ट्रिक कौन सा है? तो गाइज शॉर्ट वीडियो वायरल करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ मैटर करता है। सबसे पहला तो आपको ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑडियंस रिटेंशन कैसे ज़्यादा होगा? तो गाइज आपको सबसे पहले शॉर्ट वीडियो वायरल करने के लिए 15 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और 15 सेकंड के वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसके बाद आपको काइन मास्टर पर जाके आपको वहाँ से एडिट करना पड़ेगा। वहाँ पर 720 वाले पे उस पर आपको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यूट्यूब पर अपलोड करना है शॉर्ट पर जाके। ये नहीं कि यूट्यूब पर जैसे वीडियो अपलोड करते वैसे नहीं अपलोड करना, नहीं तो आपका वीडियो कभी भी शॉर्ट फ्यूचर में नहीं जाएगा और आपका वीडियो पर व्यूज भी नहीं आएगा। साइड से बात है गाइज, आप अगर वीडियो पे अपलोड करेगा तो शॉर्ट फ्यूचर में नहीं जाएगा, आपको शॉर्ट में जाके अपलोड करना है। शॉर्ट में आप अपलोड करते हो तो ऑटोमेटिक वहाँ पे शॉर्ट में जाएगा। और आपको टाइटल लिखने के बाद आपको हैश टैग लगाना है। इससे क्या होगा कि आपको दो चार हैश टैग लगा देना, वो टैग मतलब डिस्क्रिप्शन में लगाना है और एक टाइटल में लगाना है। इससे क्या होगा कि आपके शॉर्ट वीडियो में जल्दी आ जाएगा मतलब। और आपको टैग लगाते हैं तो इससे आपका वीडियो सर्च लिस्ट में आता है। और इससे क्या होगा आपका ऑडियंस रिटेंशन कैसे बढ़ेगा? तो गाइज आपको सबसे पहले वीडियो जैसे आप अपलोड करते हैं तो आपको दोस्त के फ़ोन में, अपने रिलेशन के फ़ोन में दो चार फ़ोन होगा, आपको फ़ोन लो के ले लेने के बाद आपको अपने वीडियो को उसमें दो तीन बार फुल वॉच कर देना है। फुल वॉच करने के बाद उस वीडियो को छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिक उस वीडियो पर व्यूज आने लगेगा और यूट्यूब उसको और आगे भेजेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा बढ़ेगा, और ऑडियंस रिटेंशन आपका बढ़ेगा तो आपको CTR भी बढ़ाना है। तो CTR कैसे बढ़ेगा? CTR बढ़ाने के लिए आपको अच्छा थंबनेल बनाना है। तो थंबनेल कैसे बनाते हैं आप मेरे चैनल पर जाकर सीख सकते हैं कि HD थंबनेल कैसे बनाया जाता है जिससे लोग एक्टिव हो और आपके वीडियो पर आके देखे। तो आपको थंबनेल एक अच्छा सा बनाना है जिससे आपके वीडियो पर क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा बढ़े और आपका वीडियो इससे वायरल भी होगा। तो गाइज यही दो ट्रिक था। अगर आपने भी वीडियो में आप ये दो ट्रिक आजमा लेते हैं 100% आपका भी वीडियो वायरल होगा और आपके वीडियो पे व्यू जाना शुरू हो जाएगा। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड भी आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए गाइज आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय।